आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी, बिना रुके बिना थके। हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। मैं चक्र हूं घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे, उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट, रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की, इवनिंग रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गन्ने के खेत में सरताज जिप्सम डाला जी, गन्ना बहुत मोटा है, उस ऊंचाई भी बहुत हुई, बहुत 4-5 बार बंधवाना पड़ा, आस पास के लोग मैंने पूछने आए, मैंने बोले भी सरताज जिप्सम डाल दी। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today।
नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बड़ी खबर की तरफ नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, बिहार, झारखंड और तमाम चंडीगढ़ की भी बात करें तो यहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 12:38 पर पहला झटका आया और तब से लगातार 1 से 1.5 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए। लोग सड़कों पर उतर आए, आपको बता दें, और पटना में काफी तेज ये झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से वही खबर निकलकर सामने आई कि नेपाल और काठमांडू के बीच ये केंद्र रहा है, और साथ ही आपको बता दें कि 7.1 तीव्रता नापी गई है रिएक्टर स्केल पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर समेत आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, भोपाल, चंडीगढ़ तमाम हिस्सों में आपको बता दें कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था और 7.1 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। एक बार फिर से उन्हीं यादों को ताजा कर दिया है जिनको अभी तक लोग पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं। नेपाल में किस तरह से एक त्रासदी सामने आई थी, भूकंप की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई थी, और एक बार फिर से लोग सहर उठे हैं, डर चुके हैं। सीधा चलते हैं न्यूज रूम से, हमारे सहयोगी रीना हमारे साथ बनी हुई है। रीना, अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे प्रतिमा कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। रिएक्टर स्केल पर तो तीव्रता माप दी गई है, लेकिन केंद्र का क्या कुछ अभी तक साफ हो पाया, क्या केंद्र था? नेपाल में ही था, और अगर हम बात रिस्टर स्केल की करें तो उस पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई है। ये ताजा अपडेट इस पूरे भूकंप को लेकर आ रही है। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि डर उनके दिमाग में भूकंप को लेकर पहले से ही था। जो तस्वीरें नेपाल में देखी थी उसको लेकर वो काफी परेशान थे, और अब अगर बात करें तो एक बार फिर से नेपाल में ही केंद्र था इस भूकंप का, और इसको लेकर लोगों में दहशत सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। लोग ऑफिस से निकल कर बाहर आ गए हैं, घरों से निकल कर बाहर आ गए हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, और जो दहशत अगर हम बात करें, जो डर की हम बात करें, वो साफ तौर पर उनके चेहरे पे देखा जा रहा है। विनय, 7.1 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता अगर 5 से ऊपर होता है तो अपने आप में खतरनाक होता है, यानी माने कि ये ज्यादा खतरनाक है। जी विनय, जाहिर सी बात है ये ज्यादा खतरनाक है। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की बात अभी नहीं निकल के आ पा रही है, लेकिन 7.4 ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम पैमाने की बात करें, अगर हम नेपाल की बात करें तो उस पे भी इसी पैमाने पे भूकंप आया था और काफी नुकसान, जो हजारों की तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, भारी नुकसान हुआ था, पूरा नेपाल तहस नहस हो गया था। ऐसे में अगर हम बात यहाँ पे करें, उत्तर भारत में भी तेज झटके भूकंप के देखने को महसूस किए गए हैं। साथ दिल्ली एनसीआर में हम बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें, तो तमाम जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लेकिन नुकसान की अगर बात करें तो अभी तक कोई बात निकलकर नहीं सामने आ पाई है। नुकसान क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। विनय, प्रतिमा, ये अब साफ हो रहा है कि जो रिएक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता मापी गई थी वो 7.4 हो गई है। बिल्कुल, और साथ ही केंद्र भी अब साफ हो गया है, काठमांडू एक बार फिर से। जी जी विनय, बिल्कुल सही, ये 7.4 जो है ये अब ताजा अपडेट आपको बताई कि पहले 7.1 बोला जा रहा था, लेकिन अब 7.4 जो है ये इस भूकंप की तीव्रता है, और केंद्र एक बार फिर से नेपाल, काठमांडू, जो वाकई में एक चिंता का विषय है और लोगों में भी अभी तक इसको लेकर डर है। हालांकि आपको बता दें कि 12:38 पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लगातार 1 से 1.5 मिनट तक जो ये झटके थे, तेज झटके महसूस किए गए थे, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों में अभी तक डर है, उन्हें चक्कर अभी तक आ रहे हैं और लगातार इस भूकंप को लेकर वो काफी परेशान है। एक चीज और यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, पहले की यादें अभी पूरी तरह से कहेंगे कि लोगों की ताजा हैं, और अब यहाँ पर और ज्यादा वो बुरी यादों को ताजा कर दिया है। काठमांडू एक बार फिर से यहाँ पर केंद्र माना जा रहा है, पहले भी काठमांडू था और कितनी बड़ी त्रासदी थी वो सबके सामने आई थी बात। बिल्कुल, अब अगर बात करें तो एक तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? 7.4 बहुत ज्यादा भयंकर है कि कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ वहां पर माल और जान की हानि हुई है। जी विनय, तस्वीर की अगर बात करें तो ये कुछ ही समय में साफ हो जाएगी कि आखिर नुकसान कितना यहाँ पे इस भूकंप में हुआ है, क्या कुछ इस पूरे भूकंप में नुकसान देखने को मिला है, जान माल का, ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच मैं यहाँ पर न्यूज रूम में जानने की कोशिश करना चाहूंगी, समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे जब भूकंप आया, क्या कुछ उनकी स्थिति थी, किस तरह से, और अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है। जी निशा, यहाँ पे जब भूकंप
के झटके महसूस किए गए, स्थिति क्या थी, किस तरह से यहाँ पे भूकंप के झटके? बिल्कुल प्रतिमा, यहाँ पर ना अफरा तफरी का माहौल मच गया। हम लोग यहाँ पर पैकेजेस लिख रहे थे, राइटिंग कर रहे थे, और उसी दौरान हमने खुद भूकंप के झटके महसूस किए। एक बार के लिए हमें लगा कि क्या चक्कर आ रहा है, लेकिन बार बार जो यहाँ के तमाम जो एम्प्लॉयज है उन्होंने भी महसूस किया, और तब हमने न्यूज चैनल्स में भी देखा कि तब तक ब्रेकिंग जो है चलने शुरू हो चुकी थी कि भूकंप के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं, और काफी ज्यादा तेज ये भूकंप था प्रतिमा जी। अनिशा, अगर बात यहाँ पे करें तो क्या कुछ अपडेट यहाँ पे और निकल कर सामने आ पाई है? बिल्कुल प्रतिमा, 7.4 जो है रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई है। अभी तक अगर फिलहाल की स्थिति की बात की जाए, नुकसान जिस तरह से आप बता रहे थे, नुकसान किसी तरह का अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन नेपाल की बात की जाए, नेपाल में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है, चूंकि वहां के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो इस झटके को महसूस कर चुके हैं। लाखों लोग इस पूरी घटना में अपनी जान गंवा चुके, तो कहीं ना कहीं डर जो है नेपाल में, दिल्ली NCR में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हर जगह पर जो है इसका डर महसूस किया जा रहा है। तो वाकई में विनय, अगर बात करें तो न्यूज रूम में भी यहाँ पे डर का माहौल एक बार सीधे तौर पे देखा गया, क्योंकि भूकंप के झटके वाकई में बहुत तेज थे। पहले शायद सबको समझ में नहीं आ पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन बाद में जब देखा भूकंप के ये तेज झटके थे, यहाँ पे न्यूज रूम की अगर बात करें यहाँ पे भी डर काफी देखा गया, और ये जो झटके थे एक बार फिर से इसका केंद्र नेपाल में ही, नेपाल के कोडारो में इसका केंद्र माना गया, 7.4 एक बार फिर से बता दें कि पैमाने पे ये इसकी तीव्रता आंकी गई है। हम और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जब भूकंप आया तो क्या आप इस वक्त क्या कर रही थी, और किस तरह से आपको पता चला कि यहाँ पे भूकंप, क्या स्थिति आपके दिमाग में? मैं उस टाइम लंच कर रही थी, जो हम लंच कर रही थी, तो फिर उस टाइम वो बॉटल रखे हिलने लग गई, तो ऐसे लगा कि भूकंप आ रहा, फिर हम फटाफट बाहर आए, काफी वो लग रहा सर चक्कर आ रहा था कि भूकंप आ रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि अब चक्कर आ रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं लग रहा, बट पहले बहुत लग रहा था। तो विनय, अगर हम बात करें तो न्यूज रूम में भी यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था, कुछ लोग लंच कर रहे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे, तो सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ महसूस। प्रतिमा, रोकना चाहूंगा यहाँ पर आपको, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से यहाँ पर लोग बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और कुछ और अपडेट यहाँ पर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से तुरंत ही जानकारी मांगी गई है, तलब किया गया है, और ये बात पूछी गई है कि क्या कुछ वहां पर हलचल है। और इस बीच आपको बता दें कि जो पहले 7.1 था वो 7.74 हो गया है। प्रतिमा, आपके पास आएंगे, यहाँ पर आफ्टर शॉक की बात की जा रही थी, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनय, यहाँ पे आफ्टर शॉक्स की बात तो की जा रही थी, लेकिन अगर अब बात करें जो ये भूकंप महसूस किया गया है 7.4, ये बहुत ही, अगर हम बात करें, बहुत ही बड़े यहाँ पे तीव्रता का भूकंप था। और आफ्टर शॉक्स की अगर बात करें तो जिस तरह से ये 7.4 का आया है, ये वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक जो लोगों के जख्म है वो हरे है, अभी तक जो नेपाल में जो तस्वीरें थी वो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो खौफ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हम ये भी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि डरने की उन्हें इसमें जरूरत नहीं है, पैनिक वो ना करें, ताकि अगर वो ज्यादा पैनिक करेंगे तो ज्यादा परेशानियां उनके लिए खड़ी हो सकती है, लेकिन पैनिक उन्हें नहीं करना। यही बार बार हम तमाम दर्शकों से भी अपील करेंगे, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, किसी मजबूत, अगर मजबूत कोई जगह है उसके नीचे वो अपने आप को छुपा लें, उसके नीचे वो छुप जाएं, ताकि अपने आप को वो बचा सके, बाहर निकल जाएं ऑफिस से, घरों से, लेकिन पैनिक ना करें। यही लोगों से अपील हम करना चाहेंगे विनय। प्रतिमा, मैं चाहूंगा कि न्यूज रूम में कुछ और भी लोग आपके साथ मौजूद है लगातार, उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 12:38 ये वो समय होता है जब लोग सभी अपने काम में लगे रहते हैं, और उस समय ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी विनय, बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे, भूकंप जिस वक्त आया 12:48 का वो समय था, आप क्या कर रहे थे, कैसे महसूस हुआ आपको कि भूकंप के झटके? एक्चुअली मैं अपने सिस्टम पे काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि कुछ हिल रहा है, तो पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये बिल्कुल भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने सहयोगियों से कंसल्ट किया तो उन्हें भी लगा कि भूकंप के झटके आए हैं। और सबसे पहले हमने भूकंप के झटके जब जैसे ही महसूस हुए, हमने सबसे पहले ब्रेकिंग चलाई, क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, सबसे पहले लोगों को बताना जरूरी होता है कि क्या चल रहा है, तो हम अपने जान पर खेल के सबसे पहले ब्रेकिंग चलाई, उसके बाद रोकना चाहूंगा यहाँ पर आपको मैं, और यहाँ पर सीधे आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। प्रतिमा, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, कुछ और जानकारी यहाँ पर देना चाहेंगे कि जमीन से 19 किलोमीटर नीचे भूकंप का ये केंद्र था, और आपको बता दें कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी मांगी गई है, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सामने आकर ये बात कही है कि उन्होंने जानकारी के लिए बात की है नेपाल में, और वहां पर बातचीत की जा रही है। प्रतिमा, आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास कुछ ताजा अपडेट्स, और जैसा कि बताया जा रहा है कोडारी ये केंद्र बताया गया है, क्या ये अब कंफर्म हो गया पूरी तरह से?
विनय, ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है, नेपाल ही केंद्र था और नेपाल की अगर बात करें तो जमीन से 19 किलोमीटर नीचे कोडारी ही ये भूकंप का केंद्र था। और अपडेट हम जानने की कोशिश करेंगे इस भूकंप से रिलेटेड, इस भूकंप में जो आया है 7.4 तीव्रता का, क्या कुछ और अपडेट इस भूकंप पर निकल कर आ रही है? बिल्कुल, अभी तक ज़्यादा अपडेट इस पर नहीं आ पाया है, कितनी जान माल का नुकसान हुआ है, कितनी हानि हुई है, अभी तक इस बात का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन लगाया जा सका है। लेकिन इतना तो जरूर है कि बहुत ही काफ़ी एक मिनट तक जो भूकंप के झटके वो महसूस हुए थे। मैं भी बैठे काम कर रहा था, खबर लिख रहा था, तभी भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफ़ी तेज़ हिल रहा था यहाँ पर सब कुछ। तो भूकंप कितना नुकसान हुआ इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन 7.1 की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया है और नेपाल में इसके दोबारा से जो केंद्र है वो नेपाल में रहा है। तो केंद्र एक बार फिर से नेपाल में रहा है, ऐसे में विनय अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है डर तो है, लेकिन अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें वहां पर भी अब ये ट्रेंड करना स्टार्ट हो गया है अर्थक्वेक अगेन। लोग सभी को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भूकंप की अगर बात करें भारी नुकसान वो भूकंप पहुंचा सकता है और ये भूकंप 7.4। चलिए प्रतिमा, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ, बड़ी खबर एक और बता दे। इस बीच भूकंप की वजह से मेट्रो सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई है, कुछ समय के लिए रोक दी गई है मेट्रो, और जिस तरह से झटके महसूस किए गए तो उसकी वजह से हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ऑफिसों से बाहर निकल चुके हैं, काम बिल्कुल बंद कर दिया गया उनकी तरफ से। और एक बार फिर आपको बता दें कि उन यादों को ताजा कर दिया है, वो बुरी यादें जो कि नेपाल में अभी तक पूरी तरह से वो जख्म भरे नहीं थे। आपको बता दें काठमांडू जो केंद्र बताया जा रहा था पहले, और इस बार भी कोडारी की अगर बात करें वो केंद्र है, 7.4 जो तीव्रता मापी गई है वो अपने आप में ही खतरनाक होती है। यहां पर लगातार प्रतिमा हमारे साथ बनी हुई न्यूज रूम से। प्रतिमा, आपसे जानना चाहेंगे, अब यहां पर मेट्रो की अगर बात करें वो सेवा भी बाधित हो गई है, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जाहिर सी बात है जब भी कोई ऐसी कोई त्रासदी आती है तो लोगों की यहाँ पे जान को जोखिम में नहीं डाला जाता। अगर हम बात मेट्रो की करें तो उसकी सेवाएं भी यहाँ पे रोक दी गई हैं लोगों से भी वहाँ पे, ताकि मेट्रो नहीं चलाई जा रही है, दिल्ली में मेट्रो को रोक दिया गया है क्योंकि जिस तरह से ये भूकंप के जो तेज झटके महसूस किए गए ऐसे में मेट्रो वो नहीं चला रहे ताकि लोगों के लिए और परेशानियां ना खड़ी हो जाए, उनकी जान जोखिम में ना डाली जाए, इसलिए क्योंकि सचेत हर कोई रहना चाहता है। और अब मेट्रो अधिकारियों की बात करें तो उनकी तरफ से भी यही ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि अगर ऐसी कोई त्रासदी आती है तो लोगों की जो जान है उससे कोई खिलवाड़ ना किया जाए, इसलिए जैसे ही ये झटके महसूस किए गए विनय मेट्रो सेवाओं को तुरंत ही रोक दिया गया। हाँ प्रतिमा, अभी कुछ देर पहले आप बता रही थी बचाव, जो कि भूवैज्ञानिकों से आपने जाने थे कि किस तरह से अगर इस तरह के झटके आप महसूस करें तो क्या कुछ बचाव हो सकते हैं, चाहेंगे आपसे एक बार फिर बताएं आप। जी विनय, एक बार फिर से मैं बताती हूँ, जिस तरह से अगर हमने बात की भूवैज्ञानिकों से भी, उनका भी यही कहना था कि अगर सबसे पहली बात तो यही, अगर भूकंप की झटके आप महसूस कर रहे हैं आप सबसे पहले अपने आसपास अपने सभी दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने आसपास जो भी आपके रहते हैं सबको इसके बारे में बताइए, सबको बताइए कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, सभी बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए, खुले में जाकर वहां पर खड़े हो जाए। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां से आप बाहर नहीं जा सकते तो कोई ऐसी जो स्ट्रांग जगह है उसके नीचे आप छुप जाइए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा गया है, ये भी माना जाता है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग आप बिल्कुल भी मत करें क्योंकि जब ये झटके महसूस किए जाते हैं विनय, अगर आप लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो वाकई में वो और परेशानियां खड़ी कर सकता है भूकंप अगर आता है, तो लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आप सीढ़ियों से जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात विनय, पैनिक नहीं करना है क्योंकि पैनिक करेंगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरह से क्या करना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी बचा सके। तो विनय यही सबसे बड़ी बात है और से ज्यादा अपील अपने तमाम दर्शकों से हम यही करना चाहेंगे कि आप पैनिक मत कीजिए, आराम से आप प्रतिमा आपकी तरफ यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दें झटके महसूस किए गए हैं, पहली बार 12:38 पर ये झटके महसूस किए गए थे और एक मिनट तक ये झटके महसूस किए गए थे। और अब फिर से एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ये झटके महसूस किए गए हैं, जमीन से 19 किलोमीटर नीचे था ये भूकंप का केंद्र, कोडारी केंद्र मापा गया और आपको बता दें 7.4 ये तीव्रता थी भूकंप की। अपने आप में ही डराने वाली बात यह है कि अभी तक तो तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि क्या कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन पिछली बार की यादें अभी तक सभी के जहन में ताजा होंगी, किस तरह से उस समय भी हमने देखा कि भूकंप आया था और त्रासदी थी, एक भयंकर त्रासदी हमने देखी, हजारों लोगों की मौत हुई थी, लोग बेघर हो गए थे। और इस बार आपको बता दें कि ये झटके फिर से महसूस किए गए हैं, आफ्टर शॉक बताया जा रहा था लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं, और आपको बता दें कि भूकंप की वजह से, इन झटकों की वजह से मेट्रो सेवा भी बाधित हो गई है,
दिल्ली के अलावा कोलकाता में भी मेट्रो को रोक दिया गया है कुछ समय के लिए। ये तस्वीरें आप देखें किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, हलचल का माहौल यहाँ पर, और लोग अपने ऑफिसों से बाहर निकलकर सड़क पर आ चुके हैं, और यही बेहतर है इस समय, क्योंकि अगर भूकंप की बात करें तो पिछली बार हमने देखा कितना ज्यादा खतरनाक वो तस्वीर सामने आई थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको बता दें नजारा देखने को मिल रहा है। अभी तक लोग ऑफिसों से निकलकर भाग रहे हैं सीढ़ियों के जरिए, और जैसा भी आपको बता दें कि अभी प्रतिमा भी बता रही थी कि बेहतर होगा इस समय आप अगर लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें दूसरी बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं लगातार रुक रुक कर ये भूकंप के झटके, और कोडारी आपको बता दें ये केंद्र है भूकंप का नेपाल में, एक बार फिर से ये नेपाल से जो झटके थे वो अब यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पंजाब आपको बता दें सब जगह महसूस किए जा रहे हैं। प्रतिमा हमारे पास लगातार बनी हुई न्यूज रूम से। प्रतिमा क्या कुछ आपके पास ताजा अपडेट? प्रतिमा सुन रहे हैं आप? महसूस किए गए हैं। हमारे साथ संदीप भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करना चाहूंगी। अभी एक बार फिर से झटका महसूस हुआ आपको भूकंप का? जी प्रतिमा जी, देखिए लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं और लोग यहाँ पर ये चीज महसूस कर रहे हैं, और थोड़ा सा जब भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो अफरा तफरी का माहौल होता है। तो मैं हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर झटके थोड़े से भी महसूस कर रहे हैं तो आप उसको मतलब उस पर रिएक्ट करें और अपने घर से बाहर निकलें और ऐसी सुरक्षित जगहों पर जाएं जहाँ पर आपको सुरक्षित थोड़ा माहौल लगे, जैसे कि आप खुले एरिया जाए, और अगर घर से निकलना संभव ना हो तो कम से कम ऐसी जगह पर आप सुरक्षित रहें जहां पर अगर कुछ सामान गिरता भी है तो आप सुरक्षित वहां पे अपने आप को समझ पाए। जी विनय, तो झटके महसूस लगातार किए जा रहे हैं, 45 मिनट बाद दूसरा झटका भूकंप का महसूस किया गया है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि वो पैनिक बिल्कुल मत हो, परेशान मत हो, आराम से पेशेंस में वो रहें, और पेशेंस बिल्कुल धैर्य बनाए रखने की जरूरत है इस समय, और अगर आप धैर्य बना के रखेंगे तो शायद इस तरह की जो हलचल है वो इतनी नहीं मचेगी। फिलहाल लोगों से यही गुजारिश की गंभीरता से लें इनको, क्योंकि पिछली बार की यादें अभी पूरी तरह से आपको बता दें धुंधली नहीं हुई है, और यहाँ पर एक बार फिर से इस तरह के झटके महसूस किए। एक ब्रेक के लिए यहां पर बने हुए हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसके जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटावेलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्यों में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की।
श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले, 100 से 125 क्विंटल गन्ना ज्यादा निकले जी, मोटा तंदुरुस्त बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी कहूंगा जी, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोया। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेकवा स्वागत है आपका। लगातार बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। 12:38 पर ये झटके महसूस किए गए लगभग 1 मिनट तक, और उसके बाद फिर आपको बता दें कि 1:11 पर ये झटके फिर से महसूस किए गए। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड, पंजाब की अगर बात करें, यूपी की बात करें, पटना की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे अनिल, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली में? देखिए, भूकंप के झटकों ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र की बात करें, नेपाल भूकंप का केंद्र, और रिएक्टर स्केल पर पैमाने की इसकी बात करें, 7.1 से ज्यादा किसके झटके महसूस किए गए। इस वक्त में नॉर्थ एवेन्यू में खड़ा हूँ। नॉर्थ एवेन्यू काफी वीवीआईपी इलाका माना जाता है, लुटियन जोन की दिल्ली का ये पूरा वीआईपी इलाका है। मैं यहाँ पर एक नेता के यहाँ पर बैठा हुआ था, जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो तमाम उन नेता के समर्थक भी घरों से बाहर निकल कर आ गए, तो लोगों में एक डर पैदा हो गया था। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद है सर, अब से कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए, आपने वो झटके महसूस किए, कितना एक खौफ पैदा हो गया? जितने हम लोग बैठे सब लोग बाहर निकल के आ गए, और एक बाल्टी में जग पड़ा हुआ था, जग भी इस तरह हिलने लगा, और हमारे हाथ में चाय पी रहा था, चाय भी इसी तरह हिलने लगी थी, और सब लोग बाहर आ गए। आपने भी झटके महसूस किए, कितना डर पैदा हो गया था? जी, मुझे लगा कि कोई मेरी गाड़ी हिला रहा है, फिर मैंने देखा, मैंने सोचा ऐसे होगा, फिर बाद में पता चला कि भूकंप आया। बिल्कुल, देखिए, जो लोग घरों के अंदर बैठे थे उनमें भी डर पैदा हुआ, जो लोग बाहर थे घरों के बाहर, जो अपनी अपनी गाड़ियों में थे उनमें भी डर पैदा हो गया। आपने भी झटके महसूस किए, आखिर प्रकृति क्या चाहती है? कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था, जो नेपाल में कितने लोगों की जाने चले गए, फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मैंने महसूस किया मेरी चेयर हिल रही है, मैंने समझ लिया कि ये भूकंप है, जलजला है, तो मैं बाहर आया, मुझे लगा कि खुदा खुश नहीं है, लगता है जमीन और आसमान को हम लोगों ने अपने पाप से भर दिया और खुदा नाखुश है, हमें ज़रूर तौबा करना चाहिए और उसकी ब्लेसिंग और मर्सी को पुकारना चाहिए। देखिए, काफ़ी अच्छी बात कही है, इनको लगता है कि खुदा खुश नहीं है। आपने भी भूकंप के झटके कुछ देर पहले महसूस किए थे? थोड़े बहुत आए, जैसे बैठा था तो एकदम हिलने लग गया जमीन। बिल्कुल, देखिए, लोगों ने यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है सब ने भूकंप के झटके महसूस किए। जो लोग घरों के अंदर थे वो घरों से बाहर आ गए। यही नजारा दिल्ली के अंदर जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पर लोगों के ऑफिस है, लोग अपने अपने ऑफिस से बाहर आ गए, तो लोगों में एक बार फिर डर पैदा हो गया। जो कुछ दिन पहले जो भूकंप आया था वही डर लोगों में एक बार फिर देखने को मिला। हाँ, अनिल, एक चीज और, यहाँ पर 7.4, अब ये तस्वीर साफ हो गई, 7.4 तीव्रता का था ये भूकंप। कोडारी नेपाल का आप अगर बात करें तो ये केंद्र रहा है। अब 7.4, जब हम 5 से ऊपर का भूकंप देखते हैं तो वो खतरनाक होता है, 7.4 को किस तरह देखें? बिल्कुल, देखिए, जो 7.4 का भूकंप है वो काफी तेज भूकंप माना जाता है। अमूमन जो हम बात करें 5 या 6 से, जो रिएक्टर स्केल है जिससे ऊपर के जितने भूकंप आते हैं वो काफी तेज भूकंप माने जाते हैं, लेकिन जो 7.4 का भूकंप था काफी तेज भूकंप माना जाता है। तो पिछले भूकंप नेपाल में थे वो भी काफी तेज भूकंप थे, लोगों में एक डर पैदा हो गया। अगर दिल्ली की बात करें, जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग थी लोगों में एक डर पैदा हो गया, लोग अपने अपने ऑफिसों को छोड़कर लोग बाहर निकल चुके थे, और यही नजारा बिल्कुल घरों का नजारा था, लोग अपने घरों से बिल्कुल बाहर निकल गए थे, जो लोग गाड़ियों में बैठे थे लोग गाड़ियों से भी बाहर निकल गए थे। खुद यहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में खड़ा हूँ। नॉर्थ एवेन्यू काफी पोश इलाका, काफी वीवीआईपी इलाका दिल्ली का माना जाता है। यहाँ पर की जो बिल्डिंग है लुटियन जोन की बिल्डिंग है, काफी मजबूत यहाँ की इमारतें मानी जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों में भी एक डर पैदा हो गया था, लोग जैसे भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुआ। अनिल, एक चीज और, यहाँ पर यहाँ तो दोगुनी हो गई, अब दिल्ली वासियों की बात करें तो यहाँ पर उनकी समस्या दोगुनी हो गई है। मेट्रो सेवा भी बाधित हो गई, उधर डीटीसी बस चल नहीं रही है, अब यहाँ पर सड़कों पर आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं, और भूकंप की वजह से इसमें और क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या समस्याओं में इजाफा देखने को मिल रहा है? जी,
देखिए जब पिछली बार भूकंप के झटके महसूस हुए थे तब भी जो मेट्रो की सेवा उसको बाधित करना पड़ा था, इस बार भी वही मेट्रो की तरफ से यही करना पड़ा क्योंकि जब भूकंप के झटके आते हैं और मेट्रो की बात करें मेट्रो को टनल के अंदर भी जाना पड़ता है ऊपर भी आना पड़ता है, तो इसी को देखते हुए डीएमआरसी की तरफ से सबसे पहले एहतियात के तौर पर यही कदम उठाया जाता है कि जो मेट्रो की सेवा उसको बाधित करना पड़ता है क्योंकि मेट्रो की बात करें मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाती है और आधी से ज्यादा दिल्ली मेट्रो के जरिए ही चलती है, आधी से ज्यादा दिल्ली मेट्रो के अंदर ही मेट्रो स्टेशनों के अंदर ही दिखाई मिलते हैं। इसी को देखते हुए डीएमआरसी ने सबसे पहले एहतियाती कदम यही उठाया कि मेट्रो की सेवा को बाधित कर दिया गया, मेट्रो के तमाम स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया, जो भी लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर थे जो लोग मेट्रो के अंदर थे उनको मेट्रो स्टेशन से बाहर कर दिया गया और लोगों को एक डर पैदा हो चुका है, जो कुछ दिन पहले लोगों ने एक डर देखा था जिन लोगों ने जो नेपाल में जिंदगी अपनी जिंदगी गंवाई थी, भारत में भी काफी लोगों की मौत हो गई थी भूकंप की वजह से, वही डर लोगों के अंदर एक बार फिर पैदा हो गया। जो मेरे साथ शख्स मौजूद थे उन्होंने खुद ही कहा कि जो एक प्रकृति है प्रकृति इंसान से काफी नाराज लग रही है। जी एक चीज और यहाँ पर अनिल कि गृह मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है कि भूकंप से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, शायद अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई इसलिए अभी वो लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप घबराएं ना। पिछली बार जो भूकंप आया भूकंप के आते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से जो डिजास्टर कमेटी होती है उनकी एक आपात बैठक बुलाई गई थी क्योंकि वो काफी बड़ा भूकंप था, उस डिजास्टर की जो मीटिंग बुलाई थी मैंने कमेटी की जो मीटिंग बुलाई थी और इसी तरह की आज लेकिन एहतियात के तौर पर खुद गृह मंत्री ने भी यही कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इस समय और खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अब आगे आकर ये बात कही है क्योंकि भूकंप के झटके अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज रूम का लाइव न्यूज रूम की अगर बात करें प्रतिमा हमारे साथ बनी हुई है, प्रतिमा बड़े ही शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स आपके पास। आपको बता दूं कि इस बीच बिहार सरकार की तरफ से एक बयान भी आया है, ये कहा गया है कि बिहार में कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, नुकसान होने की कोई भी खबर सामने नहीं आ पाई है। साथ ही साथ अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसको लेकर ये कहा है कि घबराने की आपको जरूरत नहीं है, साथ साथ ये भी कहा है कि नेपाल के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। पिछली बार से हमने देखा था कितनी किस तरह से भारत की तरफ से हमारे देश की तरफ से नेपाल की हर संभव मदद की गई और इस बार भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे आकर यह बात कही है कि जो हर संभव मदद होगी वो अभी भी दी जाएगी, हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। प्रतिमा बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।